जना माखी माखी कटन वास्ते शाना तैयार। शाबाश शाना, कपड़े शपड़े लेट गए। शाना और शाने नी टीम जेड़ा था शहद ने छत्ते तो शहद निकालन वास्ते तैयार होया खला है। ए सामने की करो तो शायद है माखी, इसको सरेगी जैसा माखी कहने हैं तो उर्दू जिसको शहद कह रहे ना, शहद शहद ज्यादा ना करे ना, जो पतरेर का ना ही शहद है। शहद मतलब मीठा। ये हमारे घर में ही है कीकर का दरख्त है जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है और इसकी कम से कम 5 से 6 माह की उम्र है। ये हमारा घर है और ये घर के बिल्कुल सहन में दरख्त है जिसके ऊपर ये बैठा है। फौजी साहब भी कैमरा फिट कर रहे हैं, फोकस सेट करें। शहद को काटने की तैयारियां जारी हैं। इसको काटने का तरीका ये होता है कि धुआं इसके लिए बनाना पड़ता है। रस्सी जड़ी होना दी है। वंस अगेन शाना किकर दे चढ़ा हुए ने साको, आपको भी बचना पोधी वरना अब त्याले कुत्ते को आए लड़ दोन। शाने दी टीम तैयार शहद उतारण वास्ते। मलना ही पवे ने नेड़े। ओए तू फौजी अपना ख्याल करें। हैं तैयारियां जोरों शोर से जारी। ये बड़ा जो शहद होता है इसको उतारने का तरीका ये होता है कि इसके लिए धुआं जलाया जाता है। इसके लिए स्पेशल वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो सब्ज़ी में इस्तेमाल होती है, स्मोक इसको बोलते हैं। तोरी नहीं होती, तोरी को थोड़ी सी आग लगाते हैं और उसको बिल्कुल जलने नहीं देते, बुझा देते हैं, तो उससे स्मोक पैदा होता है। फिर ये जो बड़ा शहद होता है तो ये स्मोक के ज़रिए ही अपनी जगह को छोड़ता है। फिर उसके बाद जो इसको उतारने वाले होते हैं वो आराम से बैठ के शहद इसमें से उतार लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि फिर वो दोबारा वहीं अपनी जगह पे ही बैठ जाता है। तो यहाँ से जैसे ही स्मोक उसके करीब पहुँचा है तो शहद की मक्खियों ने अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दी है। स्मोक आप देख सकते हैं। काफ़ी जिगर गुर्दे वाले बंदे का काम है शहद निकालना भी, क्योंकि बहुत कभी कभी तो ऐसा शहद मिल जाता है शहद की मक्खियां कि वो बहुत ज़ालिम होती हैं, इतना काटती हैं कि
मत पूछें। इस वजह से मैंने जब इनसे पूछा तो मुझे उन्होंने बताया, बाद में हम इनका इंटरव्यू भी करेंगे, तो वो कह रहे थे कि बाज़ औक़ात तो एक ही शहद के छत्ते से मैं कई कई मक्खियां भी लड़ जाती हैं, काट लेती हैं। इसको ना हर बार क्या लगे मेरा फिट खिला है खिरला है जो पुट्ठा ही जब बोल इधर खिरली ना मैं इसको बचो वरने को मक्खियां कटे सुन स्ट्राइक लाग वैसी ना उन्हें को शो नहीं हो टीना ही देगी ना टीना देगी ना लड़ना है बाहर खा लिया कोई धुआं नहीं बना होना है अच्छा दरख्त से बड़ा शहद उतारने के लिए शाना और उसकी टीम पहुंच चुके हैं बिल्कुल शहद के करीब। टीने में स्मोक का सामान भी मौजूद है और उसके साथ हाथों में बाल्टी उठाई भी है शहद निकालने के लिए। हाँ बाल्टी ना पड़ी पौधी पहन तले काक तक चाहना ना और पहन ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉ ਬਾਈ ਦੇ ਬੇਰੀ ਤਾਂ
तू मेन छा जा यार बाकी वो बात का ना आपको खबर करने की बात है ओ शाना काम तो उल्टा कर गए तू क्यों काले कपड़े पा के पैर शाना पैर उत्ते रखी खला कुछ ही उका हाँ देखना माख ही देखना है हाँ इसे पास लगना ही जो कटे ना पेने इसे पास है हाँ हाँ वो कोई मसला नहीं बाल्टी छोटी तो नहीं बाल्टी हाँ यह हिस्सा होना है मैं शहद जो का हाँ माँ की से हिस्से जो होना है मतलब बाकी सारा नाव डाइम ही होना है बड़े में धुएं तो यार मसे कर ले आओ क्यों हैं कैसे है लगा खाला है हाँ हाँ वीडियो चली पई है माखी नड़ा तो है अजय माखी कौन ही बात रात्रि को वो तो हल चले जाता
ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਕੀ ਜੜਾ ਕਬ ਕਿਦਾ ਤੇਰਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਤੋ ਤੋ ਹਰ ਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਛੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕੱਪੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਯੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਖਟਾ ਕਰੇ ਤੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਹਾਂ ਹਾਂ आमाड़े आमाड़े मारी ए आपका बिल्कुल ठीक है ये ध्यान दे रसी पीछे ना पीछे ना आवे रसी को साइड से कर एक साइड शाना एक साइड से साढ़ रसी पीछे ना बने रस्सी छिक के ना एक साइड दे वहां एक साइड दे हाँ ठीक है इतना ठीक है अरे शाना बिचे ने वही आखिर दी रस्सी ने चुपनी पवे ना ना रस्सी ना चुपने मेरे को तेरे तो नहीं जेरे तरीके तू खल है इन ये खल जी जमीन से खल हो गए हाँ अच्छा लाइव वीडियो चला मैं यार क्या कहना है माखी ठीक है जी जी लाड़ना बनून नपेस 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 आप नपेस ना ना हम लाड़े सुन मेरे को मैं कल सफर करना है माखी नदी का सुन हाँ अपना कैमरा संभालो हेलो मक्खियां क्या ने बच कराने साडा इधर माखी कपड़ एक्सपर्ट शाना शाना लड़ी 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 है कंड लगा भी देखो लड़ी है कंड दे लड़ी है अच्छा कंड लगा है वाह ठीक है मतलब माखी शरीफ है वैसे जिन्हें बंदा माखी का पहन रहा है सारियाँ चंबोड़ा बंदा बचसी